यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एग्रोकेमिकल सेक्टर के 3 बेहतरीन शेयर्स के बारे में। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी गिरावट में, तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होगा, क्योंकि ये एवरग्रीन सेक्टर, इसमें किसी भी पैंडमिक का कोई असर नहीं पड़ता है। तो जब भी गिरावट में मिले आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन और सॉलिड रिटर्न मिलेगा। ये 3 स्टॉक जो हम आपको बताएंगे, ये मेरा खुद का रिसर्च है कि ये आपको आने वाले समय में एक बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। ऐसे आप बहुत सारे स्टॉक है इस सेक्टर में भी जिसके साथ जा सकते हैं, लेकिन हम ये 3 स्टॉक आपको रिकमेंड करते हैं। तो पहला जिसमें हो गया पीआई इंडस्ट्री, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप स्टॉक है। देखिए एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप भी बताऊंगा और एक मिड कैप साइज भी बताऊंगा। सब तरह के तीनों स्टॉक जो 3 तरह के हैं। तो ये देखिए ये स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले हैं, क्योंकि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, लगभग वर्चुअली देखिए 0.05 डेट टू इक्विटी रेशियो है। और वहीं बात करें बिजनेस का, तो सबसे लीडिंग प्लेयर है एग्रोकेमिकल स्पेस में और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डोमेस्टिक मार्केट में भी, मतलब हमारे जो इंडियन मार्केट है और जो एक्सपोर्ट वाले मार्केट हैं। 30+ कंट्रीज में इसके बिजनेस हैं और इसके रेवेन्यू के भी 2 सेगमेंट है। देखिए 76% जो रेवेन्यू अर्न करती है कंपनी वो इनग्रीडियंट्स और इंटरमीडिएटरीज से, और 23% जो रेवेन्यू आता है वो फार्मुलेशन से। तो कंपनी का बिजनेस काफी बेहतरीन है। वही बात करें कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये काफी बेहतरीन है, लगभग 20% के आसपास है दोनों। और डिविडेंड 0.10% का है, तो कुछ खास नहीं है डिविडेंड। प्रमोटर्स होल्डिंग 46.7%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है प्रमोटर का। रिजर्व अच्छा खासा है 5,000 का, डेट तो पहले ही बता दिया, काफी कम है डेट, 257 करोड़ का मात्र डेट है, लगभग वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, डेट इक्विटी काफी कम है, निग्लिजिबल है। नेट प्रॉफिट की बात करें 730 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है यहाँ पर। और बात करें इसके एनालिसिस का, तो देखिए इसमें कॉन्स काफ़ी कम दिखेंगे, जिसमें मतलब जो निगेटिव बातें हैं सबसे पहले उसको देख लते हैं। तो बुक वैल्यू से 8x पर ट्रेड कर रहा है। अच्छे स्टॉक हमेशा आपको महंगे प्राइस पे ही लेने पड़ेंगे और महंगे प्राइस पे ही आपको फिर बेचने पड़ेंगे। अब एक निगेटिव चीज़ है, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है लास्ट 3 ईयर्स में 5% डिक्रीज हुआ है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है, तो प्रमोटर्स भी अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पर बुक किए होंगे। लेकिन प्रमोटर्स का स्टेक जो है लगभग 40% से एबव है, तो कुछ खास दिक्कत अभी नहीं है इस कंपनी में। कंपनी का बात करें जो डेट है वो डेट फ्री है, मतलब डेट रिड्यूस किया है, लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और प्रमोटर्स का जो स्टेक कम है उससे कोई बर्बाद नहीं हो जाती कंपनी, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, 40% एबव है चलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉजिटिव बातें हैं, CAGR जो है प्रॉफिट ग्रोथ का 18.73% है, डेबिटर्स डेज काफ़ी इंप्रूव है, 56 पे आ चुका है 70 से, मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है उसका जो रुपया कंपनी के पास आता है वो 70 डेज से मात्र 56 डेज में मिलने लगा है। ये सब रेशियो का हम काफ़ी बार बात करते हैं। सेल्स ग्रोथ भी 21.61% का है, लगभग 10 ईयर्स का ये ग्रोथ रेट है, काफ़ी बेहतरीन है। तो देखते हैं इस सेक्टर में जो सेल्स का ग्रोथ है वो भी 10 ईयर्स में लगातार कॉन्स्टेंट 20% से एबव का बना हुआ है। तो जब सेल्स ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होगा, तो शेयर प्राइस तो अपने आप ग्रोथ दिखाएगा। अब इसके पीयर्स की बात करें तो UPL लिमिटेड इस सेक्टर के लीडिंग कंपनी है, PIS इंडस्ट्री दूसरे नंबर पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो आप PIS इंडस्ट्री के साथ जाएं, UPL आपको उतना खास रिटर्न नहीं देगा मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है हम गलत सिद्ध हो जाएं और UPL जो है अच्छा खासा रिटर्न दे दे, PIS इंडस्ट्री से ज़्यादा दे दे, लेकिन हमारा मानना है कि PIS इंडस्ट्री UPL से ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में आपको। प्रॉफिट लॉस की बात करें, देखिए सेल्स 543 करोड़ का मात्र 2010 में, जो कि बढ़ के हो गया 4577 करोड़ का, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वहाँ पर। नेट प्रॉफिट की बात है, मात्र 42 करोड़ का था 2010 में, लॉन्ग टर्म में जैसे नेट प्रॉफिट देखें तो 2021 में हो गया 738 करोड़ का, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो प्रॉफिट में ग्रोथ तो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। अगर वहीं पर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात हमने पहले ही कर लिया, 20% है, प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 27 है, प्राइस ग्रोथ 42% है। देखिए 42% का रिटर्न दे रहा है लगभग 10 ईयर्स में, तो अब क्या चाहिए, काफ़ी बेहतरीन है। जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, तो सब चीज़ काफ़ी सॉलिड है। बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल कंपनी के पास 15 करोड़ का है, रिजर्व जो है लगातार इंक्रीज हुआ है, 2010 में 127 करोड़ था जो कि बढ़कर हो गया 5327 करोड़। और डेट की बात करें
2010 में था 150 करोड़, जो कि यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा बढ़ा है और 257 करोड़ हुआ है, लेकिन 2020 से डेट जो है काफ़ी कम हुआ है। तो यहाँ पर डेट जो है 2020 से कम किया गया है पैंडमिक के कारण, ये सब डेट आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन एक लार्ज कैप कंपनियों के लिए इतना सा डेट निग्लिजिबल है, जैसा कि मैंने पहले भी बात किया। फिर बात करते हैं कैश फ्लो का, जो कि इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर्स होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो देखने लगातार पॉजिटिव रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट क्रॉस फ्लो भी कंपनी लगातार पॉजिटिव क्रिएट किया है यहाँ पर, तो जो कंपनी का कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। हर पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अब जो डिफरेंट रेशियोज है ये तो मैंने एनालिसिस के समय ही देख लिया। डेबिटर्स डेज काफ़ी इंप्रूव हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी काफ़ी सॉलिड है, देखिए लगभग 3 के पास है, तो काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफ़ी सॉलिड है। आप प्रमोटर्स होल्डिंग यही थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, लगभग 3 साल में देखते हैं लगभग 5% के पास डिक्रीज हुआ है। कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ आईज का होल्डिंग भी इसमें अच्छा खासा है 20% के पास, डी आईज का होल्डिंग भी अच्छा खासा है 22 के पास, पब्लिक का होल्डिंग देख सकते हैं मात्र 11.58%। तो पब्लिक का होल्डिंग जो देखिए इससे बेहतरीन स्टॉक में लगातार इंक्रीज हो रहा है, जबकि एफ आई डी आईज लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये पहला स्टॉक है जो कि काफ़ी सॉलिड है। और लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात कर लें तो देखिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न काफ़ी सॉलिड रहा है, 4000% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। तो पिछले 10 सालों में ये आपके इन्वेस्टमेंट को 40 टाइम्स किया है, जो कि काफ़ी सॉलिड है। तो ऐसे स्टॉक में आपको निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इसके बात करें प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट काफ़ी डाइवर्सिफाई है इस कंपनी का, देखिए यहाँ पर। तो ये कंपनी जो है इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, उसके बाद ये कंपनी फंगीसाइड बनाती है, हर्बिसाइड्स बनाती है, मतलब जो एग्रोकेमिकल में यूज होते हैं हर तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, और फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट भी बनाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में सेल करती है। और जो दूसरा शेयर है वो है सुमितमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, 21,000 करोड़ मार्केट कैप है, और ये भी एक लीडिंग प्लेयर है इस इंडस्ट्री का। और ये जापान की जो इसकी पेरेंट कंपनी है सुमितमो, उसकी ये सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पर, मतलब ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है इस कंपनी का, क्योंकि एक सब्सिडरी कंपनी है जापानी एग्रोकेमिकल कंपनी का। साथ ही साथ बात करें, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस रखता है, और इस कंपनी का भी बिजनेस सेगमेंट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फ्यूमिगेंट्स, रोडेंटेंट्स, प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिशन, बायोडेसिनल्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो कई सारे मतलब प्रोडक्ट जो है ये कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी के भी बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, कंपनी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस में जाएंगे, देखिए क्रॉप प्रोडक्शन है, बायोलॉजिकल हो गया, प्लांट न्यूट्रिशन हो गया, फार्मा सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाती है, हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स भी बनाती है, एनिमल न्यूट्रिशन भी बनाती है, और इस तरह से कंपनी का डिजिटल प्रेजेंस भी है। तो काफ़ी बेहतरीन है ये भी कंपनी। और अगर बात करें यहाँ पर इसके करेंट प्राइस का, 437 करेंट प्राइस है, डिविडेंड 0.18% का है, काफ़ी कम है। प्रमोटर होल्डिंग जो मैक्सिमम स्टेक हो सकता है प्रमोटर्स का कंपनी में 75%, तो 75% प्रमोटर का स्टेक है, जो कि मैक्सिमम है, इससे कम मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। बिल्कुल वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, 0.02 देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो है, काफ़ी कम है, मात्र 32 करोड़ का डेट है, जो कि निग्लिजिबल है। रिजर्व भी अच्छा खासा है 1000 करोड़ का, और ये कंपनी एक मिड साइज कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखने लगभग मिड साइज के बराबर है। अब बात करें एनालिसिस का, इसमें भी कोई भी निगेटिव बात नहीं है, सिर्फ बुक वैल्यू से 14 टाइम्स पे ये शेयर प्राइस ट्रेड करा है, तो अच्छे शेयर प्राइस आपको हमेशा महंगे प्राइस पे ही मिलेंगे। अगर बात करें जो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ 40% का CAGR है, देखिए 39.36 लगभग 40% का CAGR है प्रॉफिट ग्रोथ का। डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है 22.47 का, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। और बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, तो 2011 में सेल्स था 229 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 2643 करोड़ का, तो काफ़ी बेहतरीन इंक्रीज हुआ है। अगर बात करें प्रॉफिट का, तो कंपनी शुरुआत में देख सकते हैं लॉस में थी 2011-12 में, 2013 में प्रॉफिट था 13 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया यहाँ पर 345 करोड़ का, तो काफ़ी बेहतरीन है। और ये कंपनी ज़्यादा लिस्टिंग पुराना नहीं है, मात्र 1 साल लिस्टिंग हुआ है। बात करते हैं बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट भी कंपनी का यहाँ पर देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है कंपनी के पास 499 करोड़ का, और कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज हुआ और बढ़कर के हो गया 1029 करोड़ का, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। और बात करें कंपनी के ऊपर डेट का, तो कंपनी के ऊपर डेट है 33 करोड़ का, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनियाँ हैं। तो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी खास है, काफ़ी सॉलिड है,
बात करें कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी लगातार कैश फ्लो जनरेट किया है और नेट कैश फ्लो भी इस कंपनी का पॉजिटिव है। लेकिन मुख्य जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो है इस कंपनी का हमेशा पॉजिटिव रहा है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं। अब बात करें रेशियोज का, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो काफ़ी बेहतरीन है, 32%, ये तो काफ़ी बेहतरीन है। डेबिटर्स डेज यहाँ पर कंपनी का थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है, यहाँ पर देख सकते हैं कभी 80 डेज के आसपास था, अभी 117 चला चुका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इसके कंपटीटर पीआई इंडस्ट्री का काफ़ी सॉलिड था, तो ये कंपटीटर्स को देख करके तय किया जाता है। कंपटीटर का काफ़ी बेहतरीन था, इससे आधे पे था, तो काफ़ी उसका पीआई इंडस्ट्री का सॉलिड था डेबिटर्स डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी ठीक ठाक है। प्रमोटर्स स्टेक की बात कर लें तो कंपनी न्यू लिस्टेड है और मैक्सिमम स्टेक है प्रमोटर्स के पास जितना हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस तरह के चार्ट का, तो देखिए चार्ट कंपनी जो है 2020 में ही लिस्ट हुई है जनवरी में, और यहाँ से स्टॉक मार्केट में क्रेश के कारण यहाँ पर गिरावट आया था, मात्र 167 रुपये पे ये शेयर प्राइस था, वहाँ से 430 रुपीज हो चुका है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर इन्वेस्टर को लगभग 200% का। और जो तीसरा स्टॉक है इस सेक्टर से, देखिए यही तीन स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी गिरावट पे जब भी गिरावट मिले इन्वेस्ट कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये टाटा ग्रुप का शेयर है रैलिस इंडिया, और ये कंपनी का भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी कई सारे बिजनेस करती है, देखिए यहाँ पर बिजनेस डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में भी है इसी सेक्टर में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, सीड से रिलेटेड बिजनेस भी करता है, प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिशन भी करता है, और जो एग्री सर्विसेस होता है वो भी प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का बिजनेस। ऐसे भी टाटा ग्रुप का जब शेयर हो, जब टाटा उसमें लग जाए, तो ऐसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भरोसा काफ़ी बढ़ जाता है। बस होता है क्या, अच्छे टाटा ग्रुप के शेयर को चुनिए, अच्छे प्राइस पे आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें प्राइस काफ़ी महत्व रखता है, आप नीचे के प्राइस पर लेते हैं अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। मार्केट कैप की बात करें मात्र 6588 करोड़ का है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, करेंट प्राइस 339 रुपीज के आसपास है, डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा है इस शेयर का, 0.89% का डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि स्टॉक उतना मूव नहीं किया है इसलिए आपको डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा दिख रहा है। बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, 50.1% प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर इसमें प्लेज नहीं है। रिजर्व की बात करें 1571 करोड़ का रिजर्व है, डेट की बात करें 75 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, और बात करें यहाँ पर तो कंपनी जो है लगभग डेट फ्री है, वर्चुअल डेट फ्री, क्योंकि 0.05 डेट इक्विटी रेशियो है। नेट प्रॉफिट की बात है 229 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। बात करें एनालिसिस का, जो निगेटिव बात है कंपनी में, कंपनी जो पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाया मात्र 9% का, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है मात्र 13% का है। और बात करें वहीं पॉजिटिव बातें का, कंपनी डेट फ्री है और अच्छा डिविडेंड भी पे करती है 27% का। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है किस प्रकार, तो सेल्स देखिए 2010 में था 864 करोड़ का, जो कि बढ़ करके हो गया 2429 करोड़ का 2021 में, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें 101 करोड़ का था 2010 में, आजो करके बढ़ करके हो गया 229 करोड़ का 2021 में, तो काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने मिला है। वही बात करें सेल्स ग्रोथ का 9% मात्र रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ का मात्र 5% 10 ईयर्स में, स्टॉक प्राइस मात्र 9% का CAGR दिया है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन आने वाले समय हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा दे, क्योंकि देखिए पिछले 5 ईयर्स में 10% का CAGR, वहीं पिछले 3 साल में 22% का, अगर यहाँ पर 20% का CAGR का ग्रोथ दे देता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब तो काफ़ी बेहतरीन है, आपका जो रिटर्न होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा। अब बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जो शेयर कैपिटल है कंपनी के पास 19 करोड़ का है, और रिजर्व की बात करें तो 1571 करोड़ का है कंपनी के पास, जो कि रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है। डेट की बात करें तो कंपनी लगभग वर्चुअली डेट फ्री है, मात्र 76 करोड़ का डेट है, तो इस पैरामीटर पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। बात करते हैं कैश फ्लो का, कैश फ्लो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव रहा है, जो कि होना भी चाहिए, मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निगेटिव है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से निगेटिव है, नेट कैश फ्लो भी कंपनी लगातार जनरेट किया है कई बार, तो कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी बेहतरीन है। रेशियो की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घट रहा है कंपनी का। और डेबिटर्स डेज की बात करें तो डेबिटर्स डेज 61 है, तो अच्छा खासा है, क्योंकि जो सुमितामो केमिकल है उसका तो 100 से भी ऊपर था, पीआई इंडस्ट्री का 56 था, तो
इसका भी अच्छा खासा है। इन्वेंट्री टर्नओवर 2 के आसपास है, तो ये भी ठीक ठाक है। मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 50% है, जो कि कांस्टेंट बना हुआ। ऐसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी है तो कोई खास दिक्कत ही नहीं। FIs का स्टेक मात्र 7% है, DIs का स्टेक 17% है और पब्लिक का स्टेक 25%। इस तरह के अच्छे कंपनियों में इस बार पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा है। तो ये 3 स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला PI इंडस्ट्री, इस सेक्टर के लीडर स्टॉक सुमितामो केमिकल, और अगर आप स्मॉल कैप टाटा ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं तो रैलीज इंडिया।